नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस कैपिटल की। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 27 फरवरी का अपडेट है और यहाँ पर अब रिलायंस कैपिटल हो गई है IIHL, ठीक है, इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड की। जी हाँ, यहाँ पर जो रेजोल्यूशन प्लान था उसको NCLT के द्वारा अप्रूव कर लिया गया है। तो यहाँ पर अब क्या कुछ होगा इस शेयर का, क्या कुछ एक शेयर के बदले कितने मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, शेयर डीलिस्ट हो जाएगा, सब पे जानकारी मिलेगी आपको। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। और दूसरी चीज़ गाइस, आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ टेक्निकल इशूज़ है, अपने चैनल में मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था, इसके चलते काफ़ी दिक्कत हुई। तो अभी फिलहाल सारा मैटर सॉर्ट आउट हो गया है, तो आपको अभी रेगुलर वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइस, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसी नाम से एग्जैक्टली सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ गाइस, बच के रहिए, नहीं तो आप अपनी कैपिटल को गंवा बैठेंगे और कुछ भी नहीं होगा आपको। मैं बार बार बोलता हूँ, स्कैमर्स से सावधान रहिए, शेयर मार्केट में बहुत सारे, शेयर मार्केट क्या यूट्यूब पे ही बहुत सारे स्कैमर्स एक्टिवेटेड हैं और आपको बहुत संभल के रहना होगा। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह होती है इसकी और वो डालता हूँ, यहाँ मैं कोई भी टिप नहीं देता हूँ, यहाँ पर अपने वीडियोज़ के लिंक वगैरह शेयर करता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको पता है कि कितनी लंबी लीगल बैटल चली है और कितने सारी चीज़ें यहाँ पर चली हैं। मैं शुरुआत से लगातार रिलायंस कैपिटल को कवर करता रहा हूँ और काफ़ी दिन बाद अभी यहाँ पर फाइनल जो हियरिंग के बाद आज जो आदेश आया उसके बाद मैं वीडियो लेके आया हूँ। अभी इसके बाद एक वीडियो और आएगा, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं जो NCLT है यहाँ पर, आप मुंबई है, ओरली प्रोनाउंस एन ऑर्डर डेट इज 27 फरवरी, यानी कि 27 फरवरी को यहाँ पर ऑर्डर आया है और ओरली आया है। अभी यहाँ पर ओरली मतलब अभी केवल आदेश दिया गया है, जिसके भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें इन्होंने BSE और NSE को इंटीमेट करी हैं, अप्रूविंग द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बाय इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये इनका रेजोल्यूशन प्लान था, यानी कि जो इन्होंने प्लान प्रस्तुत किया था खरीदने के लिए कि भैया किस तरीके से कितने रुपए की बिडिंग है और सब कुछ पूरे प्रोसेस के बाद, वो यहाँ पर बोर्ड ऑफ जो क्रिएटर्स थे, यानी कि जो क्रिएटर्स थे उनका जो बोर्ड था, कमेटी ऑफ क्रिएटर्स बोलते हैं, उन्होंने अप्रूव कर दिया था। उसके बाद NCLT में काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा था, तो आज फाइनली यहाँ पर इनका जो आदेश आ गया है। अभी फिलहाल ये एक पेज का है, यहाँ पर पूरा ऑर्डर नहीं आया और इन्होंने बोला भी है कि जैसे ही ऑर्डर आएगा तो वहाँ पर हम आपको सारी चीज़ें अपडेट करेंगे, और ऑर्डर आने के बाद यहाँ पर ये BSE और NCLT को भी उसकी कॉपी प्रोवाइड कराएंगे, फिर वहाँ पर जब वो ऑर्डर आएगा तब आपके सामने सारी चीज़ें आएंगी और उसमें सब कुछ लिखा होगा कि किस कितने शेयर के बदले क्या मिलना है, शेयर को डीलिश करना है, 1 के बदले 10 मिलेंगे 10 के बदले 1 मिलेंगे, जो स्वैप रेशियो होगा वो वहाँ से पता चलेगा जब वो ऑर्डर की कॉपी आएगी, उससे पहले अभी उसको पता करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11.79 रुपये पर क्लोजिंग दी है। दूसरी चीज़ क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कि IRP स्टेज 1 में चल रहा है, जिन शेयर्स की, जिन कंपनीज़ की इंसॉल्वेंसी एडमिट हो जाती है वहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि वहाँ पर IRP की स्टेजेस लग जाती हैं। IRP की स्टेज 1 में होने का मतलब ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ IBC रिकमेंसमेंट पोस्ट IBC, यानी कि वहाँ पर इनकी ट्रेडिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑपरेटर्स बहुत सारे एक्टिव हो जाते हैं और जब लगातार अपर सर्किट लगते जाते हैं तो वहाँ पर फिर जो एक्सचेंजेस होते हैं उसको IRP की स्टेज 1 में डाल देते हैं, और IRP की स्टेज 1 में आने का मतलब केवल मंडे ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पर इसकी रेगुलर ट्रेडिंग मान के चलिए अभी कुछ टाइम लगेगा, कम से कम एक बार IRP की स्टेज 1 में जाने के बाद कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, उसके बाद फिर उसको बाहर निकाला जाता है, और अगर फिर से अपर सर्किट लगेंगे तो फिर से उसमें डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको शेयर जब लोअर सर्किट लग जाता है खुलते, तो वहाँ पर शेयर बेच पाना आपको काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ये चीज़ आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जब ये ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर में कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि शेयर्स को डीलिश कर दिया जाता है और शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलता है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए। 11.98 रुपये पे ओपन हुआ था, हाई लगाया 12.84 रुपये पे, लो लगाए इसने 11.74 रुपये पे, फिलहाल लोअर सर्किट तो नहीं कहेंगे, 11.79 रुपये पे फिलहाल बंद हुआ है। तो यहाँ पर IRP की स्टेज 1 में भी फिलहाल आपको ट्रेडिंग देखते मतलब होते हुए देखने को मिली है, ऐसा नहीं रहा कि खुलते ही लोअर सर्किट लग गया है। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए LIC के पास लगभग 3% का स्टेक अभी भी फिलहाल इनके पास पड़ा हुआ है, बाकी यहाँ पर प्रमोटर आप देख रहे हैं 0.07% है, बाकी ये पब्लिक है 3.7% और 1.8% ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। रिटर्न की बात करेंगे तो 6 महीने में 41% के रिटर्न दे दिए हैं, बाकी यहाँ पर आप 1 महीने में -10% है, 2 साल में -2%, 3 साल में 22% और 5 साल में आपकी कैपिटल को ये खा चुका है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो टुडे और यस्टरडे और 1 वीक आपको सब एक ही दिखेगा, क्योंकि आपको पता है मंडे केवल ट्रेडिंग हो रही है, IRP की स्टेज 1 में है, तो 17 लाख का वॉल्यूम इसने कल जनरेट किया है, यानी कि मंडे को।
हम लोग बात करें चार्ट की, तो गाइड देखिए चार्ट में अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आईआरपी की स्टेज वन में है तो शेयर आपको दिखेगा नहीं, वहाँ पर आपके जो ब्रोकर है वो मंडे को ही दिखता है। तो ये चार्ट अभी फिलहाल ये मनी कंट्रोल का है, और यहाँ पर आप देखिए लगातार यहाँ से आईआरपी की स्टेज वन में आने के बाद लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है, और ये गिरावट हो सकता है अभी और आपको फर्दर देखने को मिले। मेरी सलाह तो यही है गाइड, एक बार ऑर्डर आ जान दीजिए, ऑर्डर आने के बाद मैं वीडियो लेके आऊँगा, आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कितने किसके कितने शेयर के बदले क्या मिलना है, शेयर होल्डर्स को क्या मिलने वाला है, ठीक है गाइज। और नए लोगों को मेरी गाइज यही सलाह है कि आप लोग बिल्कुल सावधान रहें, यहाँ पर अभी किसी भी तरीके की एंट्री मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस केसेस में यही होता है कि शेयर को यहाँ पर डिलीट किया जाता है, चाहे वो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज हो, चाहे बहुत सारे शेयर्स आप देखेंगे, कुछ शेयर्स हैं लेकिन 10% मामले में, मान के चलिए 10% केसेस में ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ शेयर्स के बदले दे दिया जाता है, और IIHL जैसा चाहेगा, वो चाहेगा कि कंपनी को लिस्टेड रहने देंगे हम, तो वहाँ पर वो हो सकता है लिस्टेड रहे, और लिस्टेड रहने के बाद फिर ये कोई बड़ी बात नहीं, आपको ये रॉकेट बनते हुए भी देखने को मिल सकता है, जिसकी संभावना काफ़ी कम है। देखिए गाइस मैंने आपको दोनों पहलू बता दिए हैं, और जहाँ तक मेरी समझ है मैंने अपनी समझ के हिसाब से आपको सारी चीज़ें बताई हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी जो ऑर्डर आएगा उस पर डिपेंड करता है, तो ऑर्डर की कॉपी आने दीजिए, मैं आपके सामने पूरा उसका डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा। मैंने पहले भी बहुत सारे जिनकी इंसॉल्वेंसी एडमिट हुई है उन पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं वीडियोज़ के लिंक डाल देता हूँ। और दूसरी चीज़ क्या गाइस, आई एम नॉट अ सेवी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे, ये मेरे पर्सनल व्यूज होते हैं, साफ साफ बोलता हूँ, गलत हो सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।